बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और SC ST आयोग के पूर्व चेयरमैन गोरेराज जाटव ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सरकार बनने का दावा किया। मून टीवी से बात करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता गोरेराज जाटव का कहना था कि विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की पूरी दमखम के साथ में सरकार बनने जा रही है। दरअसल आपको बताते चले, शुक्रवार को खैरागढ़ विधानसभा इलाके के जगनेर ब्लॉक में बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवा के कार्यालय का उद्घाटन अवसर था। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बसपा के वरिष्ठ नेता और SC ST आयोग के पूर्व चेयरमैन गोरेलाल जाटव ने मून टीवी से बात करते हुए जहां बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवा की जीत का दावा किया, तो वहीं प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने का भी दावा किया। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश असेंबली के आम चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है और पांचवी बार अपनी नेता को इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत। मून टीवी से बात करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता गोरेराज जाटव का कहना था कि विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। लोगों का विकास का मुद्दा, किसानों की फसल का मुद्दा या फिर शिक्षित और बेरोजगारी का मुद्दा हो, बहुजन समाज पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की पूरी दमखम के साथ में सरकार बनने जा रही है। देखिए, हमारे वही मुद्दे हैं, गरीबी, बेकारी, लाचारी, उत्पीड़न, लाइन आर्डर, विकास, ये बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकताएं रही हैं। गरीब के लिए काम हो, किसान के लिए काम हो, मजदूर के लिए काम हो, युवा बेरोजगार है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, ये गांव देहात गली मोहल्ले से लेकर के संपूर्ण प्रदेश का बहुआयामी विकास हो, ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य। खैरागढ़ विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ में लगी हुई है। बसपा नेताओं का दावा है कि खैरागढ़ विधानसभा की जनता बसपा को जीत का आशीर्वाद दे चुकी है।